26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है देश में, और हमारे बिहार का मांग है, तो इसमें मांग करना कोई गुनाह है क्या? देश में उनकी सरकार है और हम बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए हम लोग मांग कर रहे, कोई पर्सनल तेजस्वी प्रसाद यादव जी या हम लोग पर्सनल तो मांग कर नहीं रहे, बिहार के लिए हम लोग कर रहे हैं। और उनके गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार जी का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोरनेशन, में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हैं। मुकेश सहनी पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए, और वहीं इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे के मांग को एक बार फिर से दोहराया है। और मुकेश सहनी ने कहा है कि यह सिर्फ हम लोग का मांग नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी मांग है, लेकिन केंद्र सरकार इसे मान नहीं रही है। क्या कुछ कहना है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का, सुनवाते हैं। बिहार में उपचुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव है, तो बेलागंज वगैरह सब में चुनाव है और गरबा वगैरह सब में प्रचार है, जा रहे हैं अपने इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी सरकार बने झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का, और बिहार में जब 4 उपचुनाव है वहाँ पे हम लोग चुनाव मजबूती से प्रचार करेंगे, और बहुत हद तक क्लियर है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। झारखंड में क्या लग रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे तो तेजस्वी यादव विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें, पर गिरिराज सिंह कर रहे हैं कि क्या छठ में भी नहीं आए? नहीं, देखिए बिहार में आना चाहिए और छठ पूजा माता छठी मैया का आशीर्वाद सभी को लेने के लिए आना चाहिए। रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है देश में, और हमारे बिहार का मांग है, तो इसमें मांग करना कोई गुनाह है क्या? देश में उनकी सरकार है और हम बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए हम लोग मांग कर रहे, कोई पर्सनल तेजस्वी प्रसाद यादव जी या हम लोग पर्सनल तो मांग कर नहीं रहे, बिहार के लिए हम लोग कर रहे हैं। और उनके गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार जी का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जिसके लेके कई बार धरना प्रदर्शन सब चीज़ मुख्यमंत्री जी करते थे। अभी ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी अभी बीजेपी के साथ है, वहाँ पे चुप बैठे हुए हैं, उनको बिहार के लोगों के लिए बिहार के जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, हम जनता का आवाज़ है, बिहार के आवाज़ है, हम लोग तो मांग करेंगे, देना नहीं देना उनका काम है, लेकिन हम तो मांग करेंगे। झारखंड जाएंगे क्या प्रचार? जी हाँ, झारखंड भी जा रहे हैं। सर एक सवाल और है, दीपा मांझी एनडीए के प्रत्याशी इमामगंज से, वो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग तेजस्वी यादव के लोग उनके गाड़ी पर हमला किए और बैनर पोस्टर फाड़। देखिए उनकी सरकार है बिहार में, बिहार में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, जांच करे, जो लोग दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, हम लोग तो काम करने के लिए मैदान में उतरे, उनकी सरकार है ना भाई, बताइए अगर ऐसी अगर घटना हो रहा तो ये तो जवाबदेही उनको देने की आवश्यकता है कि जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी आम जनता के साथ क्या होगा, वो जवाब उनको देना चाहिए। अंतिम सवाल है, आपके बारे में कभी कभी लगातार ये फैलता है कि आप एनडीए के साथ? अरे कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ।